अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर है। जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज कैसे किए जा सकते हैं और उनके हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कैसा पैटर्न डिफाइन कर लेते हैं हम करेक्टर्स की बेसिस पे, या कुछ नंबर्स हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, इसको एक पैटर्न बना देते हैं और हम कहते हैं इस पैटर्न को मैच करते हुए कोई भी टाइप का डेटा अगर आएगा तो उसको आप सेपरेट कर दें या उसको जो है वो फिल्टर आउट कर दें। ये पर्पज है रेगुलर एक्सप्रेशन का। मोस्टली हमें जब सर्चिंग परफॉर्म करनी है अपने डेटा के अंदर, वी नेवर नो कि हमारा यूजर जो है वो किस टाइप क्या इनपुट देगा, इनपुट में डेटा कौन सा होगा। लेकिन हमने एक पैटर्न डिफाइन किया होता है कि अगर इस पैटर्न की इनपुट आए, लाइक अगर 5 डिजिट नंबर हो तो उसको एक्सट्रैक्ट करना है हमने, या कहीं डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो उसे एक्सट्रैक्ट करना है, या हमें लेट से कोई स्पेसिफिक करेक्टर है, कोई स्पेशल करेक्टर्स अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं तो हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करने की। सो हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं, एक पैटर्न डिफाइन कर लेते हैं। उस पैटर्न की बेस पे जो कोई भी स्ट्रिंग या जो कोई भी डेटा मैच होता है उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको सर्च किया जा सकता है, और उस फंक्शन को हम डिफरेंट किस्म के मेथड्स को यूज करते हुए अपने कोड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो हम डिफरेंट किस्म के रेगुलर एक्सप्रेशंस को बनाना देखेंगे आज के लेक्चर में, जो हमें हेल्प करेंगे कि हम पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं उनकी बेसिस पे और सर्चिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेंटेक्स की बात करें तो सेंटेक्स कुछ इस तरह से है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए भी एक फंक्शन है रेगुलर एक्सप्रेशन का, उसको उसके अंदर अपना पैटर्न और अपने मॉडिफायर्स, दो चीजें हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। या एक जो बेट ज्यादा सिंपलर वे है वो ये है कि आप सिंपल फॉरवर्ड स्लैश डालें, उसके बाद आप यहाँ पे अपना पैटर्न मेंशन करें, अगेन फॉरवर्ड स्लैश डालें और फिर अपने मॉडिफायर्स मेंशन कर दें एंड सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। आप न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए फंक्शन के अंदर, रेगुलर एक्सप्रेशन का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके अंदर आप अपना पैटर्न और मॉडिफायर भी मेंशन कर सकते हैं बाई सेपरेटेड कॉमास। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो फॉरवर्ड स्लैश में पैटर्न मेंशन करें एंड देन अगेन फॉरवर्ड स्लैश के बाद अपने मॉडिफायर्स मेंशन कर दें। अब पैटर्न्स और मॉडिफायर्स क्या है, पैटर्न हमारे पास वो टाइप का एक किस्म का फॉर्मूला है जिसको यूज करते हुए हमने कोई चीज सर्च करनी है, जिस बेसिस पे हमने कोई चीज सर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट के आई नीड टू नो ऑल द करेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम ए टू एच। अब ये ए से एच तक जो करेक्टर्स की रेंज आई वॉन्ट, दिस इज माई पैटर्न। ठीक है, समटाइम्स आई वॉन्ट टू फाइंड सम वैल्यूज विच आर द स्पेशल करेक्टर्स, तो ये मेरा पैटर्न होगा। यानी मैंने किस पैटर्न की बेसिस पे कोई चीज सर्च करनी है या फाइंड करनी है या मैच करनी है, दैट विल बी माई पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना पैटर्न देना है और आगे मॉडिफायर्स देना है। मॉडिफायर क्या है कि आपका स्कोप क्या है सर्च का, कि आप लोकल सर्च करना चाहते हैं, आप ग्लोबल सर्च करना चाहते हैं, आप केस सेंसिटिव सर्च करना चाहते हैं या केस इनसेंसिटिव सर्च करना चाहते हैं। यानी ये जो चीजें हैं ये आपके मॉडिफायर्स मेंशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। सो आपने आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो दो चीजों पे कंसिस्ट करेगा, आपके पैटर्न के ऊपर और उसको आपने उस पैटर्न को आपने कितने एरिया पे किस किस स्कोप के अंदर सर्च करना है, किस टाइप की सर्च करनी है, यानी केस सेंसिटिव सर्च करनी है या केस इनसेंसिटिव सर्च करनी है, लोकल सर्च करनी है, ग्लोबल सर्च करनी है। ठीक है, दैट विल बी योर मॉडिफायर्स। सो दो चीजें हमें रिक्वायर होंगी। अब पैटर्न्स किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और मॉडिफायर्स क्या होते हैं इनको देखते हैं। पहले हम मॉडिफायर्स की तरफ आ जाते हैं। मॉडिफायर्स में हमारे पास थ्री ऑप्शंस हैं। अगर हम केस इनसेंसिटिव मैचिंग करना चाहते हैं, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि लाइक आपका जो लेटर है वो कैपिटल है या स्मॉल है, हमें जस्ट वो एक जो पैटर्न हमने दे दिया उसके बेसिस पे हमें मैचिंग करनी है, यानी कैपिटल या स्मॉल लेटर्स से हम हमारा कंसर्न नहीं है, तो हम मॉडिफायर अटैच कर देते हैं केस इनसेंसिटिव के लिए। आए अगर आप ये चाहते हैं कि एक दफा जो है वो मैचिंग हो के उसके बाद भी उस पैटर्न की बेसिस पे जो जो अकरेंस एग्जिस्ट कर रही है वो तमाम पॉसिबल मैचेस जो हैं उनको फाइंड किया जाए,
यानी फर्स्ट मैच पे आपकी सर्च स्टॉप ना हो जाए, आपको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू ना दे जो सर्च पे उसको मिले, वो तमाम वैल्यूज दे, जितनी बार भी अकर हो रही है उस पैटर्न के ऊपर वैल्यू, वो मल्टीपल टाइम्स भी अगर हो रही है तो मल्टीपल वैल्यूज आपको दे। तो उस सूरत हाल में आप मॉडिफायर यूज कर लेते हैं ग्लोबल, लाइक यू वॉन्ट अ ग्लोबल मैच, मल्टीपल मैचेस रादर देन स्टॉपिंग आफ्टर द फर्स्ट मैच, ठीक है। और जो एक और मॉडिफायर हमारे पास है वो है मल्टी लाइन मैचिंग। मल्टी लाइन मैचिंग हमें अलाउ करती है कि हम ये देखें कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग या डेटा मल्टीपल लाइंस पे कंसिस्ट कर रहा है, तो आप मल्टीपल लाइंस में ही सर्चिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये मॉडिफायर के थ्रू बताना पड़ता है कि दिस स्ट्रिंग माइट हैव मल्टीपल लाइंस बट यू हैव टू लुक ऑन मल्टीपल लाइंस एज वेल। तो उसके लिए फिर आपको ये एम मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा। ये तीन मॉडिफायर्स हैं हमारे पास। अब लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक हमने एक पैटर्न डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको पैटर्न की एग्जांपल भी नजर आ रही है। लेट्स से हमारे पास एक स्टैटिक स्ट्रिंग है, इज दिस ऑल देयर इज, ये गिवन स्ट्रिंग है। इसके अंदर हमने कुछ सर्चिंग परफॉर्म करनी है पैटर्न की बेसिस पे। अब हमने पैटर्न डिफाइन किया, हमने एक वेरिएबल लिया पैट वन का, हमने कहा पैट वन में जो हमारा पैटर्न है, ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट क्या होता है पैटर्न, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है मॉडिफायर का। तो हमने पैटर्न में क्या मेंशन कर दिया, आई एस इज। नाउ दिस मीन्स आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यूज ऑन दिस पैटर्न, लाइक जहां पे आई एस आई एस आई एस लिखा हुआ है मेरे स्ट्रिंग में, ठीक है। और इसकी सर्चिंग हमने कैसे परफॉर्म करनी है, हमने इसकी ग्लोबल सर्च परफॉर्म करनी है, लाइक जो फर्स्ट अक्रेंस है हमें सिर्फ वहीं पे स्टॉप ना मिल जाए, हमें जितनी बार भी अक्रेंस आ रही है हमें उतनी टाइम्स ये रिजल्ट में नजर आए। सो अगर आप ये वाला पैटर्न लिखते हैं और इसकी बेसिस में अगर आप मैचिंग परफॉर्म करते हैं कि इसको मैच करो, तो उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी, जो क्योंकि गिवन स्ट्रिंग ये वाली थी, इसमें ये आई एस जो है वो दो बार अकर हो रहा है, कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेकेंड टाइम यहाँ पे। तो आपको ये जो आउटपुट नजर आएगी वो आई एस कॉमा आई एस नजर आएगी, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल में जस्ट ये बताने के लिए कि ये दो दफा एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों दफा मैच करेगा इसको, क्योंकि हमने ग्लोबल स्पेसिफायर यूज किया है। अगर आप ग्लोबल नहीं यूज करते तो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू जहां मिल जाएगी वहीं पे स्टॉप कर देगा, आपको वो वैल्यू आउटपुट कर देगा बस, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब केस इनसेंसिटिव की बात हम कर लेते हैं, कि वी आर नॉट इनसेंसिटिव, वी आर नॉट सेंसिटिव अबाउट द केस, ठीक है। सो अगेन हम लेट्स से यही स्ट्रिंग रखते हैं, और हमने अब यहाँ पे कहा आई एस का पैटर्न की बेसिस पे हमें फाइंड कर दें, और जी मीन ग्लोबल सर्च करें, और आई मीन इनसेंसिटिव हो, यानी कि हमारे पास कैपिटल में भी अगर आ रहा है ना आई एस, तो उसको भी वो कंसिडर करें उसके अंदर। अब यार देखिए आप, हम एक से ज्यादा स्पेसिफायर भी, सॉरी मॉडिफायर भी यूज कर सकते हैं, इट्स ऑल ओके। अगर आप चाहते हैं कि ये मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग थी, तो आप यहाँ पे जी आई एम एम वाला मॉडिफायर भी यही पे एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच कर सकते हैं, इट्स ऑल फाइन, ठीक है। अब ये हमारे पास जो पैटर्न ने बनाया, जब इसे मैच करेंगे ये क्या करेगा, अब देखिए आई एस की जो स्ट्रिंग है वो ना सिर्फ यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे नजर आ रही है, बल्कि ये जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वो भी आई एस से स्टार्ट हो रही है, बट सिंस इट वॉज द कैपिटल आई एंड देन स्मॉल एस, तो फर्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल थी उसमें हमने इसे कंसिडर नहीं किया, बिकॉज हमने ये नहीं कहा था कि हमारी जो मैचिंग है वो इनसेंसिटिव हो केस से। बट यहाँ हम कह रहे हैं, वी आर सेइंग कि हमारी जो मैचिंग है वो केस इनसेंसिटिव हो, हमने आई का मॉडिफायर यूज किया हुआ है, तो इसकी आउटपुट जो है वो इस तरह से आएगी आपको, लाइक आई एस की वैल्यू भी नजर आएगी, ये वाली वैल्यू भी, देन कॉमा, देन आपको ये वाली वैल्यू नजर आएगी आई एस, देन आपको अगेन ये वाली वैल्यू नजर आएगी। सो आपको थ्री टाइम आई एस की वैल्यू अपनी आउटपुट में नजर आएगी, ठीक है। सो हम जो पैटर्न्स हैं, ना सिर्फ हम एक स्पेशल स्पेसिफिक किस्म का कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, हम कोई नेम दे सकते हैं, ये सब चीजें, बल्कि इसके अलावा समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें कोई रेंज मेंशन करनी होती है, हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स मेंशन करने होते हैं समटाइम्स। ऑल वी वांट इज के हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स वैल्यूज हैं, लाइक इट कैन बी एनी नेम, लाइक आई डोंट वांट टू फाइंड द स्पेशल कैरेक्टर और स्पेशल नेम लाइक अली और अहमद, आई वांट टू फाइंड एनी नेम,
नाउ दैट नेम माइट बी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, सो उसमें हो सकता है कि मुझे जो कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स या मिक्सचर ऑफ बोथ दोनों मेंशन करने पड़े. सो उस सूरत हाल में मेरा जो पैटर्न होगा वो रेंज के ऊपर कंसिस्ट करेगा. आई माइट बी नीडिंग सम रेंज ऑफ करेक्टर्स टू फाइंड, आई माइट बी नीडिंग टू फाइंड सम रेंज ऑफ नंबर्स. तो रेंज कैसे मेंशन करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रैकेट्स. सो अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट एग्जाम्पल नजर आ रही है, ए बी सी को हमने स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है. ये क्या करेगा, फाइंड एनी करेक्टर बिटवीन द ब्रैकेट्स. अब आपने ए बी और सी क्योंकि तीन करेक्टर्स लिख दिए हैं, उसके अंदर आप उसको ए बी सी की अकरेंस जहां भी नजर आएगी उसने इनको मैच करना है. एज अ सेपरेट करेक्टर डील करेगा इन चीजों को, ए को भी फाइंड करेगा, बी को भी और सी को भी. ठीक है, अगर आप इसमें जितने भी करेक्टर्स लिख देंगे स्क्वेयर ब्रैकेट्स में, उन तमाम को वो फाइंड करेगा, उसके लिए क्राइटेरिया बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा. दूसरी ऑप्शन आपको जो नजर आ रही है वो है नॉट ए बी सी. सो ये जो आपको हैट साइन नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द निगेशन. ठीक है, नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड ऑल द करेक्टर्स एक्सेप्ट ए बी एंड सी. करेक्टर्स विल बी फाउंड नॉट बिटवीन द ब्रैकेट्स. ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है हैट साइन, दैट इज द निगेशन साइन और नॉट साइन. ठीक है, सो ये ए बी सी के अलावा जो बाकी करेक्टर्स उन सबको फाइंड करेगा, लेकिन ए बी और सी को फाइंड नहीं करेगा. सो अब यहाँ पे हम एक और ऑप्शन देख रहे हैं, हमने यहाँ पे डैश का इस्तेमाल किया है ब्रैकेट्स के अंदर, हमने कहा 0-9. सो ये जो पूरी रेंज है हमने इसको दे दी है 0 से लेकर 9 तक, तो वो तमाम डिजिट्स को फाइंड करेगा. ठीक है, फाइंड एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9. अगर यही काम हम इस तरह से करते हैं कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, वो क्या करेगा, तमाम करेक्टर्स ऑफ अपर केस फाइंड करेगा फ्रॉम ए टिल जी. उसके बाद अगर यही चीज हम स्मॉल अल्फाबेट्स ए और जी से करते हैं, रेंज हम दे रहे हैं उसको, तो उसके अंदर वो लोअर केस को सिर्फ टारगेट करेगा. हाँ, बट अगर आप कैपिटल ए से शुरू होते हैं और स्मॉल जी तक जाते हैं, दिस मींस वो अब तमाम कैरेक्टर्स फ्रॉम कैपिटल ए से लेके लोअर केस जी तक, यानी जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, उन सबको वो कंसिडर करेगा अपने पैटर्न के अंदर. इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास हमने कोई भी करेक्टर्स लिख दिए ए डी जी के, तो इस गिवन ए की वैल्यू होगी या डी की होगी या जी की होगी या के की होगी, इन फोर करेक्टर्स में से कोई भी वैल्यू अगर आएगी तो वो उसको फाइंड करेगा. इसी तरह से ये हमने निगेशन कर दी है यहाँ पर कि इन करेक्टर्स के अलावा अगर कोई करेक्टर्स आ रहे हैं तो उसको फाइंड किया जाए या उसको मैच किया जाए. अब समटाइम हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स या स्पेशल ऑप्शंस होती हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे कलर्स की ऑप्शंस लिखी हुई है. अब यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज की हैं, उसके अंदर हमने वो कलर्स की वैल्यू दे दी है, रेड ब्लू ग्रीन, और हमने इनको इस तरह से सेपरेटर के थ्रू सेपरेट कर दिया है कि रेड की वैल्यू हो या ब्लू की हो या ग्रीन की हो, इनमें से कोई भी जो गिवन ऑल्टरनेटिव हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आए तो आप उसे एग्जैक्ट मैच करें. तो यहाँ पे आप नेम्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप कोई नंबर्स भी दे सकते हैं कि आप इसमें जो जो वैल्यूज यहाँ मेंशन कर देंगे, ऑप्शंस आप यहाँ दे देंगे, वो उन सबको लुक करेगा. सो इस तरह से आप ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं अपने पैटर्न को डिफाइन करने के लिए. लिखना आपने कहाँ पे है इसको, जहाँ पे हमने पैटर्न लिखा था, ये ब्रैकेट्स हम पैटर्न को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे. लेट्स से हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग का और हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है इसको, क्योंकि हमने कहा था फर्स्ट पार्ट क्या होगा, आपका पैटर्न होगा, नेक्स्ट पार्ट आपके मॉडिफायर्स होंगे. सो आपने यहाँ पैटर्न में ए से एच दे दिया. अगर आप ए से एच देंगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर वट एवर इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी वैल्यू आएगी वो उसको आउटपुट कर देगा. सो या अगर आप ए बी सी का पैटर्न इस तरह से देना चाहते हैं तो जिसमें ए बी और सी जहां जहां आ रहा है उसको आउटपुट कर देगा. लिखना इसे कैसे है, आपने जिस स्ट्रिंग
को मैच करना है, यानी जिसके अंदर फाइंड करना है उसको लिखेंगे आप डॉट मैच। अब ये वही मैच का मेथड है जो हमने कहा था हम रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो स्ट्रिंग मेथड हमने दो छोड़े थे, इसमें एक मैच था और एक एक दो मेथड्स और थे, कंपाइल का भी था, सर्च का भी था, मैच का भी था। हमने कहा था कि हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कवर करेंगे, सो नाउ वी आर कवरिंग इट। सो आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट, यानी स्ट्रिंग में क्या है वो वैल्यू जिस जहां से आपने मैचिंग करनी है, फिर मैच का फंक्शन आ जाएगा, और मैचिंग किस बेसिस पे करनी है वो आपने यहाँ पे पैटर्न का जो वेरिएबल डिफाइन किया था, इस तरह से आपने इसमें पैटर्न दिया था, आप पैट वन ये वेरिएबल पास कर देंगे। सो इस स्ट्रिंग के अंदर मैचिंग परफॉर्म की जाएंगी बेस्ड अपॉन दिस पैटर्न, दिस इज हाउ इट विल वर्क, ठीक है। अगर हम इसकी आउटपुट की बात करें, अगर ए और एच वाले हम पैटर्न को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज जहां जहां पे आ रही हैं वो हमें इसकी आउटपुट दे देगा, ठीक है, इस फॉर्म में आती है। नाउ ऑल्दो दैट इज नॉट दैट मच यूजफुल, लेकिन हम फिलहाल जस्ट ये लर्निंग कर रहे हैं कि हाउ टू यूज द पैटर्न्स। तो उसकी वजह से हमारे पास जो सिंपल स्ट्रिंग हमने ली थी उसकी आउटपुट जो आ रही है हमें वो यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, इस फॉर्म में इसकी आउटपुट आ जाएगी। फिर आप कुछ मेटा करेक्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि अगर आप जस्ट सिंपल ब्रैकेट्स में चीजें डालते हैं इट विल नॉट बी दैट मच यूजफुल, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। तो आपको कुछ और ऑप्शंस यूज करनी पड़ती है टू डिफाइन योर पैटर्न इन मोर कम्प्लेक्स वे, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन की बेसिस पे अगर आपने सर्चिंग परफॉर्म करनी है तो सिंपल आप ये नहीं होता कि आप जो सिर्फ कैरेक्टर्स को सर्च कर रहे हैं या सिर्फ आप स्पेशल कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं, यू मोस्टली हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरियाज टू बी सर्च्ड। उसके लिए फिर आपको ब्रैकेट से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको मेटा कैरेक्टर्स की जरूरत भी पड़ती है। मेटा कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको एक स्पेशल किस्म का सिनेरियो डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ मेटा कैरेक्टर्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास बैक स्लैश स्मॉल डब्ल्यू नजर आ रहा है, ये कोई भी वर्ड कैरेक्टर फाइंड करता है, ठीक है। वर्ड कैरेक्टर मीन्स कि आपके पास जो नॉर्मल कैरेक्टर्स में ए से लेके जी तक जो वैल्यूज हैं दोज आर वर्ड्स, ठीक है, उन्हें फाइंड करेगा। सो इसका मतलब ये है अगर आप ये चाहते हैं आपकी स्ट्रिंग में अगर कोई स्ट्रिंग डेटा आ रहा है तो आपको इंटीमेट किया जाए, तो आप ये बैक स्लैश स्मॉल डब्ल्यू को यूज कर सकते हैं अपने पैटर्न जब जहां आपने डिफाइन करना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग में अगर कोई नॉन करेक्टर डेटा आए तो उसके लिए इंटीमेट किया जाए, यानी अगर कोई न्यूमेरिक डेटा आए तो उसके लिए इंटीमेट किया जाए, तो आप यूज कर सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू नॉन वर्ड करेक्टर। अब ये हमारे पास जो नॉन नंबर्स है उनको फाइंड करेगा। इसी तरह से हमारे पास स्मॉल डी जो है वो एक डिजिट को फाइंड करता है और कैपिटल डी जो है वो नॉन डिजिट करेक्टर को फाइंड करेगा, ठीक है, ये यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर स्मॉल एस आपको आप यूज करते हैं तो आपको एक वाइट स्पेस अगर आपके उसके अंदर है स्ट्रिंग के अंदर वाइट स्पेस आ रही है तो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा उसकी, और अगर नॉन वाइट स्पेस आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आप कैपिटल एस यूज कर लेते हैं। मोस्टली हम स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू डी एंड डी से काम चला रहे होते हैं, लेकिन हमें बाज़ूकात इन चीजों की जरूरत भी पड़ती है। इसी तरह से अगर आपने किसी वर्ड के एंड पे मैच फाइंड करना नहीं था, यानी आपने उसके अलावा जो है बिगनिंग या एंड के अलावा दरमियान में मैच फाइंड करना है, आपने स्पेसिफाई कर दिया इस चीज को कि स्टार्टिंग और एंडिंग के अलावा जितने भी मैचेस हैं मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न की जाए, तो आप कैपिटल भी यूज कर सकते हैं। जबकि स्मॉल भी यूज किस लिए होगा, अगर आपने बिगनिंग या एंडिंग ऑफ द वर्ड पे मैच फाइंड करना था। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग में कोई नल कैरेक्टर है तो उसको रिटर्न किया जाए, तो उसके लिए आप बैक स्लैश जीरो यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए न्यू लाइन कैरेक्टर न्यू लाइन अगर एग्जिस्ट हुई है और आपकी स्ट्रिंग में जो है वो लाइन ब्रेक हुई है, तो उसके लिए आप बैक स्लैश एन यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये रिमेनिंग कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्दर। इसमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज होगा वो टैब का कैरेक्टर भी यूज होता है कि बैक स्लैश टी आप यूज कर सकते हैं।
अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं तो रेगुलर एक्सप्रेशंस में, लेट्स से हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है, मार्क्स परसेंटेज इज दिस, हमने ये वैल्यू पूरी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफाई कर दी है. अब हमने एक पैटर्न बनाया, पैटर्न में जो ये वाला पार्ट था हमारा, ये पैटर्न वाला हिस्सा था और ये मॉडिफायर वाला हिस्सा है. तो फॉरवर्ड स्लैश में हमने लिख दिया बैक स्लैश कैपिटल डब्ल्यू. नाउ कैपिटल डब्ल्यू किस चीज के लिए था हमारे पास, अगर आप दोबारा वापस जाएं, नॉन वर्ड करेक्टर के लिए, ठीक है, नॉन वर्ड करेक्टर्स. सो कैपिटल डब्ल्यू आ गया यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू, और हमने कहा इसको ग्लोबल सर्च करो, ठीक है. सो इसका आउटपुट हमारे पास क्या हो सकती है, नॉन वर्ड करेक्टर हमारे पास क्या है, जो वर्ड्स नहीं है वो कौन से हैं. हमारे पास सिंबल्स भी हो सकते हैं, हमारे पास वो स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये साइंस भी हो सकते हैं, ठीक है. तो अगर हमारे स्ट्रिंग में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि हैं, आपको नजर आ रही है, परसेंटेज साइन है, इक्वल साइन है और ये एक्सक्लेमेशन साइन है, तो आपको नॉन वर्ड करेक्टर्स ये नजर आ रहे हैं जो कि अल्फाबेट्स नहीं है, ठीक है. अब अगर हम इस चीज को देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसके अंदर क्योंकि हमने कहा है कि वर्ड कैरेक्टर्स को फाइंड करें, अब वर्ड कैरेक्टर्स कौन से हैं, हमारे पास डिजिट्स भी हैं और कैरेक्टर्स भी हैं, तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं आपको वो आउटपुट देगा. यहाँ पे आपको जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे उनके अलावा चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है. अब अगर हम एक और स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और इसमें हमने बी और स्कूल यूज कर लिया है, इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी इस फॉर्म में. अब बी हमारे पास क्या कर रहा था, अगर हम वापस जाएं, फाइंड अ मैच नॉट एट द बिगिनिंग या एंड ऑफ द वर्ड. मैच फाइंड करें किस चीज का, जो आपने बी के आगे चीज लिखी होगी लेकिन बिगिनिंग और एंड नहीं, सेंटर में कुछ अगर मिल रहा है उसको आपने फाइंड करना है. तो आपको ये जाहिर है बिगिनिंग में भी नहीं है, एंड में भी नहीं है, तो आपको ये कहीं दरमियान में कहीं भी, ये वाली जो टर्म आपने यहाँ मेंशन कर दी है तो वो आपको उसके लिए सर्च करेगा. सिंस हमारे पास ये जो स्कूल वाले टर्म है ये एग्जिस्ट कर रही है स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको वो इसका आउटपुट ये इस फॉर्म में रिटर्न कर देगा. सो इस वे में आप जो है वो अपने पैटर्न्स बना सकते हैं. इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है थॉरली कि आपको किस किस्म के पैटर्न्स जो हैं वो क्या आउटपुट देंगे. सो समटाइम हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेते हैं, समटाइम हम जरा चीजों को थॉरली एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देख लेते हैं, फिर हम अपने पैटर्न्स बना सकते हैं. कुछ और एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं. अब लेट्स से हमने एक पैटर्न और बनाया है, यहाँ पे एस टी के साथ हमने एस्ट्रिक लगा दिया है. एस्ट्रिक साइन में हमने क्या किया कि एस टी के जो भी कैरेक्टर्स हमारे पास एस टी या एस इनके साथ स्टार्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनके आगे जो कुछ भी है उसके लिए आप सर्च करें. लेट्स से हमारे पास जो एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमें सर्चिंग करनी है, उसके अंदर हम देखते हैं एक हम एस टी ए वाला मिल गया, एक हम एस टी ए वाला मिल गया, ठीक है, और हमें कुछ एस भी मिल रहे हैं सिंपल एस. सो वो एस को भी सर्च करेगा और हमारे पास जो है वो वैल्यूज उससे आगे फर्दर जो कुछ भी आ रहा है, अगर एस से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसको भी सर्च करेगा, ठीक है. अगर टी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो टी को भी सर्च करेगा. सो इसके अकॉर्डिंगली इसने क्या किया कि एस टी से स्टार्ट हो रहा हो, आगे जो कुछ भी आ रहा है उसको जो है वो आप सर्च हमें करके दे दें ग्लोबली, तो इसके आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस फॉर्म में नजर आएगी. देन कुछ एग्जाम्पल्स और भी देख लेते हैं. हमने कहा कि जो बैक स्लैश डी है उसका मतलब ये नंबर्स हैं, जस्ट ये थोड़ा सा चीजों को मेमोराइज करने के लिए आसान हो जाएगा. और अगर आपके पास बैक स्लैश स्मॉल डब्ल्यू है, इसका मतलब ये है कि तमाम करेक्टर्स आ जाएंगे आपके पास, ए से लेके जी तक कैपिटल और स्मॉल और नंबर्स वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है. और इसके अलावा आप लेट्स से समटाइम हम चाहते हैं वॉवल्स के अलावा हमें कुछ सर्च करना है, तो हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि हमने वॉवल्स मेंशन कर दी है, हमने कहा कि वॉवल्स के अलावा कुछ भी हो तो हमें वो दे दें. इसी तरह से नॉन डिजिट नंबर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एनी नॉट अ स्पेस समथिंग इज लाइक, यानी ये जो चीज है ये इसके इक्विवेलेंट है, आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. तो मल्टीपल वे आउट्स हैं आपके लिए.
कुछ क्वांटिफायर्स भी यूज हो सकते हैं आपका पैटर्न बनाने के लिए। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, अगेन ये आपको हेल्प करते हैं एक स्पेशल किस्म का पैटर्न को डिफाइन करने के लिए। समटाइम हमें रेंजेस से सिर्फ गुजारा नहीं हो रहा होता, तो हमें जो है वो डिफरेंट किस्म के क्वांटिफायर्स को यूज करना पड़ता है विद मेटा करेक्टर्स या डिफरेंट और चीजों के साथ। क्वांटिफायर्स हमें एक पैटर्न डिफाइन करने में ज्यादा इजी वे में हेल्प आउट करते हैं। इसमें क्या होगा, आपने लेट्स से लिख दिया एन प्लस, एन प्लस मीन्स दैट विल मैच एनी स्ट्रिंग जिसके अंदर एटलीस्ट एक दफा एन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से आप अगर एन स्टैरिक यूज करें, जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज किया था, वो एन की अकरेंस किसी भी अगर स्ट्रिंग में एक या ज्यादा अकरेंस है तो वो उसको देखेगा कि उसके अंदर हमारे पास एन कितनी बार आ रहा है। इसी तरह से एन के साथ अगर आपने क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया है क्वांटिफायर बनाने के लिए, वो मैच कोई भी स्ट्रिंग मैच करेगा जिसके अंदर हमारे पास जीरो या एक अकरेंस जो है वो एन की एग्जिस्ट करिए या नहीं है या एटलीस्ट एक है, एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट उसको लुक करेगा। इसमें हमारे पास मल्टीपल अकरेंस को भी चेक किया जाता है स्टैरिक के अंदर जिसने मल्टीपल टाइम्स पे आना रहा। यहाँ पे हम कह रहे हैं या तो ना हो या फिर एक दफा हो। और अगर हम यहाँ पे इस तरह से देते हैं एन के अंदर हम ब्रैकेट में हमको एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं टू, लेट्स से हमने यहाँ पे एक्स की जगह टू लिख दिया है, इसका मतलब ये है वो ऐसे वर्ड्स ढूंढेगा जहां पर एन जो है वो टू टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा हो। एक्स में आपने वो वैल्यू मेंशन कर देनी है जो जितने नंबर ऑफ टाइम अकरेंस आपको रिक्वायर है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर एन लिख रहे हैं और एक्स और वाई दो वैल्यूज दे रहे हैं, इसमें आप बेसिकली रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं अगर आपने लेट्स से एक्स में टू लिख दिया है वाई में थ्री लिख दिया है, इसका मतलब ये है ऐसी तमाम अकरेंस को लुक करें जहां पे एन जो है वो टू टाइम्स आ रहा है या थ्री टाइम्स आ रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से अगर आप एन के साथ डॉलर साइन यूज कर लेते हैं तो हमारा पर्पज ये होता है बताने का कि कोई भी स्ट्रिंग चेक करें जिसके अंदर जिसके एंड के ऊपर एन आ रहा हो। डॉलर साइन जो है वो एंड को स्पेसिफाई कर रहा है कि एन शुड बी बाय द एंड ऑफ दैट वर्ड। सो जिस वर्ड के एंड पे एन आ रहा होगा वो आपको वो वर्ड्स आउटपुट कर देगा। देन नॉट एन का जो स्ट्रिंग है वो आपको ये अलाउ कर रहा है कि आप देखें कि ऐसी स्ट्रिंग फाइंड करें जिसके स्टार्टिंग पे एंड आ रहा है। डॉलर साइन वॉज फॉर द एंडिंग एंड नॉट साइन और द हैट साइन इज फॉर द स्टार्टिंग के, जिस जिस वर्ड्स के स्टार्टिंग पे एन आ रहा हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ऐसे स्ट्रिंग जो है वो मैच करें जिसके जो जो स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो है एन को फॉलो कर रहा हो, यानी एन उसको फॉलो करता हुआ आ रहा हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स, डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस बन सकती हैं जब आपने पैटर्न्स को डिफाइन करना है। ये कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि अगर हमने लेट से एक पैटर्न डिफाइन किया है स्मॉल डब्ल्यू और प्लस के साथ, तो इसके अंदर हमारे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ रही है। ये जो आपको रेड में चीजें नजर आ रही हैं, उसने जो नॉन वर्ड करेक्टर्स थे उनको सर्च नहीं किया है, सिर्फ वर्ड करेक्टर्स को सर्च किया है। इसी तरह से अगर हम इस कोड को इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है वो हमने कहा है कि ओ को सर्च करें, उसकी मल्टीपल अकरेंसेस जो है वो जितनी बार भी आ रही हैं उन तमाम को सर्च करें, तो उसने ओ की जितनी भी अकरेंसेस थी उन तमाम को सेपरेट वे में सर्च कर दिया कि यहाँ पे पास ट्रिपल में भी आ रहा है, सिंगल में भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इस डबल में भी आ रहा है। उसने इन तमाम अकरेंसेस को आउटपुट कर दिया बिकॉज हमने ओ के साथ प्लस का साइन लिखा था कि मल्टीपल अकरेंसेस को भी कंसिडर करें, ठीक है। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कहा था हम सर्च या रिप्लेस का मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये फर्दर हमें हेल्प करता है। लेट से हमारे पास ये गिवन स्ट्रिंग थी रेगुलर एक्सप्रेशन की, हमने कहा स्ट्रिंग के अंदर सर्च करें क्या, यहाँ पे हमने वो वैल्यू पास कर दी है कि जो हमें एग्जैक्ट वर्ड सर्च करना है। ये उस सूरत हाल में जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है। तो मे बी आपने फॉर्म से कोई वैल्यू उठाई, यूजर ने कोई क्राइटेरिया लिखा है सर्च का, वो वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करवा दें या वो वेरिएबल आप यहाँ प्लेस करवा दें, तो उसकी बेसिस पे सर्चिंग परफॉर्म की जा सकती है आपके डेटा के अंदर।
सो आप सर्च का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन मौजूद है कि आप रिप्लेस का फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर्च किसे करें इसको और उसके बाद रिप्लेस कर दें इस वर्ड से, ठीक है। सो ये जो हमारे पास स्ट्रिंग थी विजिट माइक्रोसॉफ्ट, हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट का सर्च करो, ये जो वैल्यू मिल जाए आपको, तो रिप्लेस के फंक्शन में दूसरे ऑप्शन जो हमने लिखी थी वो थी GCUF। सो इस वर्ड को वो इस वर्ड से रिप्लेस कर देगा। सो जो आपके पास आउटपुट अगर आप प्रिंट करवाएं तब विजिट GCUF आ जाएगी, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, ग्लोबल और इग्नोर केस की प्रॉपर्टीज भी यूज हो सकती हैं, सोर्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट मेथड्स हैं, कंपाइल का है, एग्जीक्यूट का है, टेस्ट का है। इनकी एग्जांपल्स आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। ये शो मैच का एक हमारे पास फंक्शन है जो आपको अलाउ करता है कि आप एक ही उसमें मेथड के अंदर स्ट्रिंग भी पास कर दें और उस कॉमे के बाद उसका जो पैटर्न आपको चाहिए आप वो भी पास कर दें। अब यहाँ पे आपने पैटर्न दिया है \\small d, अब वो आपके लिए डिजिट्स को फाइंड करेगा कि इसमें गिवन स्ट्रिंग जो ये वाली है इसके अंदर जो भी डिजिट्स होंगे उनको सर्च करेगा। सो इसकी आउटपुट इस तरह से 5 आ जाएगी। इसी तरह से आप दोबारा शो मैच के साथ आप यूज करें हैं, डिजिट्स भी सर्च करें और ST की जो वैल्यू है उसको भी सर्च करें, तो उसमें अब आपने देखे यहाँ पे आई एम द फर्स्ट वन में फर्स्ट जो है वो लाइक 1 इज द डिजिट और उसके साथ आपने क्या मेंशन कर दिया एड ST भी हो कुछ लिखा हुआ साथ, तो उसने आपको आउटपुट जो दिया है वो ये वाला दिया। इसी तरह से आपको इस किस्म के पैटर्न्स बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारा क्राइटेरिया जो है वो हमें किस किस्म का पैटर्न उसके लिए बनाना पड़ेगा उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। ये काफी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको गिवन है। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल नजर आ रही है, इसमें आपने \\dd आपने ये 3 वैल्यूज लिखती हैं कि कोई ऐसा डिजिट हो जो कि 3 उसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा हो, नंबर्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा हो, तो उसने आपको ये 100 जो था उसके आउटपुट में ये दे दिया है। इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं डिजिट वैल्यू हो लेकिन उसके अगर 5 यानी उसके नंबर्स हो, यानी 5 डिजिट्स हो, 5 डिजिट नंबर आपको आउटपुट दे, तो आप इसको \\small d और ब्रैकेट्स के अंदर आपने 5 की वैल्यू मेंशन कर दी है। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी डिजिट हो 3 से 5 की उसकी जो है वो उसके डिजिट्स हो, तो आप 3 हो 4 हो या 5 हो, तो आप जो है वो इस तरह से भी इस चीज को लिख सकते हैं। सो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जिनको यूज करते हुए जो है आप वैल्यूज है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से अगर आपने एक टैग की बात की कि अगर आपको टैग आइडेंटिफाई करने है, तो उसके लिए आपने कहा मेरे पास कोई भी कैरेक्टर्स हो A से Z हो और इसके अंदर जो है वो मेरे पास स्टार्टिंग या एंडिंग हो रही हो इस फॉर्म में, ब्रैकेट्स के फॉर्म में, और उसे ग्लोबल सर्च करें और केस इनसेंसिटिव हो, तो उस फॉर्म में उसने आपको ये वाली चीज दे दी है। इसमें आपने उसने जो स्पेशल कैरेक्टर्स उन सब चीजों को इग्नोर कर दिया है, डॉट्स को, इन सब चीजों को, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आप इस किस्म की सर्चिंग के लिए क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं। मल्टीपल और एग्जांपल्स भी हैं। अब टाइम की कमी की वजह से मैं आपको ट्राई करती हूँ कि जल्दी से एक कोड डेमोंस्ट्रेशन दे दूं शॉर्ट सी। यहाँ पे आप ये देखें, हमने एक सिंपल सा एक स्ट्रिंग ली थी इज दिस ऑल देयर इज, हमने एग्जांपल पहले भी देखी थी और इसमें हमने एक पैटर्न दिया, हमने कहा A से H की रेंज में जो भी कोई कैरेक्टर आया उसे ग्लोबली सर्च करें और जो आंसर है उसको स्ट्रिंग डॉट मैच के साथ हमने कहा मैच करने के साथ ये जो पैटर्न मैंने मेंशन किया हुआ है कि ए से एच तक जो है आपने मैचिंग परफॉर्म करनी है और जो भी वैल्यूज हो आपने इसको राइट कर देना है। सो उसको करने के लिए अगर हम इसको रन करते हैं, अगर हमने इसको रन किया तो आप ये देखें ए से एच तक जो भी कैरेक्टर्स थे उसने उसको कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में इन वैल्यूज को यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। सो आपके पास आउटपुट कुछ इस फॉर्म में आ रही है। अलबत्ता आप इसको मीनिंगफुल बना सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस लगा के, डिफरेंट फॉर्म में इसको यूज करके। सो इस लेक्चर में हमारा पर्पस ये था कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाने कैसे हैं और उनको फिर एक्सेस कैसे करना है, उनके आउटपुट किस तरह से जनरेट करवानी है, उसको मीनिंगफुल वे में आप डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए यूज कर सकते हैं।
टाइम की कमी की वजह से हम ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं कर पाएंगे, और आई वुड अर्ज यू कि आप डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स जो हैं वो खुद ट्राई करें जो हमने अभी लेक्चर में देखी है. एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? ऑल राइट, चले.